करेंसी वीकली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज 13 जनवरी 2024, ये जो हफ्ता गया है फ्रॉम 8 जनवरी टिल 12 जनवरी, वहां पे करेंसी में क्या क्या मेजर एक्टिविटीज हुआ है एंड इसके बाद हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं ड्यूरिंग द वीक। जो आपका मेजर फोकस था मार्केट का वो था यूएस सीपीआई डेटा, जो मार्केट एक्सपेक्टेशन से हायर आया है, जिसके कारण द पेस, द मोमेंटम, द ईज विथ व्हिच रेट कट होने वाला था, थोड़ा सा अभी क्वेश्चन मार्क्स आ चुके हैं। मार्केट नाउ वेटिंग फॉर द नेक्स्ट क्लू। तो ये हफ्ते में डॉलर इंडेक्स में आपका ज्यादा कुछ एक्टिविटीज नहीं हुआ, एक डोजी टाइप ऑफ कैंडल बनाया हुआ जो आपका 102.07 से 102.77 के बीच में ही आपका एक्टिविटी हुआ है। और डेली चार्ट में अगर हम देखेंगे ये कंसोलिडेशन है। सो ये कंसोलिडेशन कहां पे हो रहा है? एक इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल पे हो रहा है। 102.50 से 102.80 के बीच का जो रेजिस्टेंस जोन है वहां पे टाइम पास कर रहे हैं। ये 5 जनवरी पिछले फ्राइडे, नॉट दिस फ्राइडे, प्रायर फ्राइडे में एनएफपी डेटा के बाद आपका यहाँ पे एक वॉलिटिलिटी क्रिएट हुआ। ये वॉलिटिलिटी जो रेंज बनाया उसी रेंज के अंदर में आपका मंडे टू फ्राइडे का यानी लेटेस्ट जो वीक है उसका एक्टिविटीज आया हुआ है। दैट बीइंग द केस, यहाँ पे अगर हम इस कैंडल को थोड़ा सा बड़ा करेंगे तो आप देखोगे ये जो फ्राइडे का एनएफपी डेटा वाला कैंडल है उसके बीच में ही मंडे टू फ्राइडे का एक्टिविटी हुआ। मतलब क्या है? इसका मतलब यही है, ये जो रेंज फ्राइडे वाला रेंज है इट बिकम्स इंपॉर्टेंट। क्या इंपॉर्टेंट? लो के नीचे सेलिंग, हाई के ऊपर अपवर्ड मूवमेंट। ये हो गया वन इंटरप्रिटेशन बाय सीइंग लुकिंग एट द कैंडल। आरएसआई डेली साइडवाइज है करेंटली 49.21, यानी यहाँ पे आरएसआई डेली आरएसआई को अगर हम देखेंगे तो बोथ साइड में मोमेंटम करने का एक पॉसिबिलिटी है। मोमेंटम के लिए एक इसको रेंज ब्रेकआउट करना है। अगर हम वीकली आपका आरएसआई देखेंगे विच इज करेंटली एट 43.40, इट इज ट्राइंग टू टेक सपोर्ट एट 40। आने वाले हफ्तों में, नॉट वन वीक बट मोर देन ए मल्टीपल नंबर ऑफ वीक्स, आने वाले हफ्तों में क्या ये 40 फर्दर सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ बायस लेते हैं या 40 सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे के तरफ आते हैं ऑन वीकली पर्सपेक्टिव, ये हमें देखना है। अगर वीकली कैंडल को एनालाइज करेंगे तो यहाँ पे ये जो 25 जनवरी वीक वाला जो कैंडल है यानी ईयर एंड वाला कैंडल, ये एक हैमर कैंडल है या पिन मार कैंडल है। इसका लो बिकम्स वेरी क्रूशियल। क्या लो है? 100.60। इट बिकम्स क्रूशियल। जब तक इसका लो ब्रेक नहीं करते हैं नीचे के तरफ तब तक ये साइडवेज कंसोलिडेशन या हल्का सा अपवर्ड बायस दिखा सकते हैं। जैसे ही इसके लो के नीचे ब्रेक डाउन करते हैं एक नेगेटिव मूवमेंट के लिए हम तैयार होंगे, लेकिन उसमें भी वन मोर राइडर इज देयर। द राइडर इज दिस लोकेशन, ये जो आपका ये 10th ऑफ जुलाई वीक में जो लो बनाया था। सो बैक टू बैक दो सपोर्ट है वीकली पर्सपेक्टिव में, एक है आपका 25th दिसंबर लो का, जो वीक का लो है दैट इज 100.60, उसके बाद 10th जुलाई वाला लो व्हिच इज 99.50। दिस टू एरियाज बिकम इंपॉर्टेंट, वी नीड टू वॉच। अगर ये ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमारे पास जो इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है ये है आपका 104 से 104.50 area. This becomes first important resistance. So, ये हो गया weekly perspective में price
क्या हो सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं डॉलर येन। डॉलर येन जो वीकली क्लोज दिया है वो है आपका 144.87। 144.87 पे क्लोज देने के बाद किस टाइप का कैंडल बनाया हुआ है, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये देखो, एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाया हुआ है विथ ए रेंज 146.40 ऑन द हायर साइड एंड 143.40 ऑन द लोअर साइड, यानी तीन बिगी का 300 बेसिस पॉइंट्स का एक रेंज बनाया हुआ है। दिस बिकम्स क्रूशियल। अभी ये जो स्पिनिंग टॉप का इंपॉर्टेंस यही है, पॉज कैंडल, लो के नीचे सेलिंग, हाई के ऊपर कंटिन्यूएशन। क्या मंडे ऑनवर्ड्स ये लो के नीचे सस्टेन करते हैं एज फार एज द वीकली पर्सपेक्टिव इज कंसर्न, ये हमें देखना है अभी। और एक चीज जो देखना है, प्राइस को अगर आप देखोगे, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, क्योंकि डॉलर येन में आने वाले दिनों में एक मेजर मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्या मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं? पहले आप देखोगे, ये जो अप्रैल 23 से आपका नवंबर 23 तक प्राइसेस आर ऑन द अपर पार्ट ऑफ द बोलिंजर बैंड, विच इज नथिंग बट अ 20 पीरियड मूविंग एवरेज, यानी 20 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहे थे प्राइस। सो बाई डिप्स वाला स्ट्रेटेजी था। दिसंबर ऑनवर्ड्स क्या हो गया, प्राइस लोअर पार्ट ऑफ द बोलिंजर बैंड में है, यानी अभी सेल ऑप्टिक्स का एक मूड बन सकते हैं। प्राइस ऑल्सो आप अगर देखोगे कॉन्टिन्यूसली हायर हायर लो से अभी लोअर लो फॉर्मेशन में चल रहे हैं। उसी अगर चीज को बरकरार करेंगे तो अभी इसके लो के नीचे फर्दर सेलिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये हो गया वन परस्पेक्ट। अनदर परस्पेक्ट, प्राइस फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द बोलिंजर बैंड से लोअर पार्ट ऑफ द बोलिंजर बैंड में आया, देन इट ट्राई टू टेक रेजिस्टेंस ऑन द सेंटर बैंड व्हिच इज नथिंग बट अ 20 पीरियड मूविंग एवरेज। जब तक ये 20 पीरियड मूविंग एवरेज एक सीलिंग है, एक रेजिस्टेंस जोन है, तब तक ये सेल ऑप्टिक्स में बी कंसीडर्ड। अगर हम डेली प्राइस एक्शंस को देखने का प्रयास करेंगे, RSI 60 में रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे आने का प्रयास कर रहे हैं, दैट मींस यहाँ पे सेल ऑप्टिक्स में भी कंसीडर्ड। यूएस 10 ईयर ट्रेजरी, यूएस 10 ईयर ट्रेजरी वीकली में एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल बनाया हुआ है। सो द बायस फॉर मंडे ऑनवर्ड्स इज नेगेटिव, सो सेल ऑप्टिक्स में भी कंसीडर्ड। अभी जो हर्डल्स है, क्या हर्डल्स है, ये RSI एट 40, करेंटली 43.27। सो 40 में क्या दोबारा वंस अगेन ये सपोर्ट लेगा? पहले आपका दिसंबर मंथ में 40 में सपोर्ट लेके थोड़ा सा ऊपर जाने का प्रयास किया था, क्या ये अभी दोबारा 40 में सपोर्ट लेगा या 40 सपोर्ट को ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ जाएगा, ये हमें देखना है मंडे ऑनवर्ड्स। अगर हम डेली प्राइस एक्शन को देखने का प्रयास करेंगे तो RSI अभी एट 42.18 ये लेवल पे है। क्या ये एक पॉसिबिलिटी हो सकते हैं कि ये 40 के आसपास सपोर्ट लेके दोबारा ऊपर जाए? इन सच ए केस प्राइस आप अगर देखोगे, यहाँ पे एक जोन बनाया हुआ है। कौन सा जोन है? ये आपका जोन है ये वाला। ये एक जोन बनाया हुआ है, इसको अगर ऊपर जाना है तो रिसेंटली जो स्विंग हाई बनाया है और अदर इन अदर वे ये एक जोन बनाया हुआ, इस जोन के हाई को तोड़ना है। इन सच ए केस यूएस 10 ईयर ट्रेजरी में एक अप मूव देख सकते हैं। अदरवाइज देयर आर पॉसिबिलिटीज, अगर ये RSI 40 में सपोर्ट नहीं लेते हैं, इन सच ए केस ये स्विंग लो को टेस्ट करेगा एंड अगेन नीचे जाने के लिए प्रयास करेगा। नीचे जाने के लिए प्रयास करेगा तो एक मेजर सपोर्ट लेवल हम एक्सपेक्ट करेंगे, वो हम फर्दर डिफरेंट एनालिसिस में देखने का प्रयास करेंगे। US 2 ईयर ट्रेजरी जो है वो आपका वीकली कैंडल एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल बनाया हुआ है। जो पिछले हफ्ते का जो बुल कैंडल था, मॉडरेटली पॉजिटिव ग्रीन कैंडल, स्ट्रॉन्ग कैंडल था, उसको निगेट किया हुआ है। दैट मीन द केस 2 ईयर ट्रेजरी में एक अच्छा खासा वीकनेस बरकरार है। सो हमारा अभी नेक्स्ट सपोर्ट लेवल हो सकता है 3.80 से 3.93 का। उस एरिया पे आने के बाद प्राइस कैसे बिहेव करते हैं हमें देखना है।
RSI also taking resistance near to 40 and trying to move down. That means it's a strong negative bias में जाने का प्रयास कर रहे हैं. That means Monday onwards, जैसे ही इस हफ्ते का लो के नीचे ट्रेड करना चालू करेंगे US 2-year treasury, in such a case और further negative bias हम expect कर सकते. Sell upticks may be considered those who are trading in this instrument. अभी आते हैं हमारा GBP डॉलर वीकली जो कैंडल बनाया हुआ है, एक स्पिनिंग टॉप टाइप ऑफ कैंडल है, नॉट एग्जैक्टली स्पिनिंग टॉप, क्योंकि बोथ साइड में वीक है, यानी प्राइस रिजेक्शंस एट बोथ द एंड्स. तो क्या मंडे ऑनवर्ड्स इसके हाई के ऊपर, यानी करंट वीक का जो कैंडल है उसके हाई के ऊपर सस्टेन करेगा या लो के नीचे सेल ऑफ होगा, वो हमें देखना है. यहाँ पे अगर हम देखेंगे RSI, डेली RSI एट 59.21 जो 60 में रेजिस्टेंस लेने का प्रयास कर रहा है, लेकिन हमें देखना है क्या ये RSI 60 में रेजिस्टेंस लेके नीचे आते हैं. इन सच केस एक नेगेटिविटी जीबीपी डॉलर में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. अगर ये 60 को रेजिस्टेंस ना लेते हुए ऊपर की तरफ चले जाते हैं अबव 60, सो यहाँ पे एक अपवर्ड बायस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. डेली चार्ट को अगर हम देखेंगे तो प्राइस कंसोलिडेशन हो रहे हैं इस जोन पे, इस जोन को क्लियर करना है. जब तक इस जोन को, कंसोलिडेशन जोन को क्लियर नहीं करेगा, मे बी ऑन द हायर साइड और ऑन द लोअर साइड, तब तक यहाँ पे मोमेंटम नहीं मिलेगा. तो ऑल्सो अगर हम डेली RSI को देखेंगे, ट्राइंग टू टेक रेजिस्टेंस एट 16 कमिंग डाउन, क्या ये इसको रेजिस्टेंस को फर्दर वंस अगेन रेजिस्ट करके नीचे की तरफ आएंगे 60 में, या 60 को ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जाएंगे ताकि एक अपवर्ड मोमेंटम देखे, ये हमें नेक्स्ट वीक प्राइस एक्शंस में देखना है. जीबीपी आईएनआर सिमिलर एनालिसिस, पिछले हफ्ते में एक डोजी कैंडल बनाया हुआ है, RSI trying to take resistance at 60, currently at 59.31. Next week onwards, Monday onwards, क्या weekly RSI resistance 60 को respect करता है और नीचे की तरफ आते हैं, या 60 resistance को breakout करके ऊपर की तरफ जाते हैं, उसके ऊपर हमारा directions निर्भर करेंगे. अगर daily chart देखेंगे consolidation, ये consolidation के बाहर निकल रहा है, क्या ये ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा, हम ये मार्केट को बताना नहीं चाहते हैं कि भाई तू ऊपर जा या भाई तू नीचे आ, जो भी कर एक तो कर, यानी आइदर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर या नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर, आइदर डायरेक्शन में हमें मोमेंटम मिल सकता है, एंड मोमेंटम में आप अकॉर्डिंगली पोजिशन बिल्ड कर सकते हैं. यूरो डॉलर वीकली जो कैंडल बनाया हुआ है, एक डोजी कैंडल बनाया हुआ है, यानी पॉज कैंडल, RSI उससे पहले वाले हफ्ते में आप देखोगे 60 में रेजिस्टेंस लेके नीचे आया हुआ है. दैट बीइंग द केस, प्राइस यहां पे थोड़ा सा हल्का सा हेजिटेट कर रहा है ऊपर जाने के लिए. लेकिन अगर हम डेली प्राइस को देखने का प्रयास करेंगे तो क्या देखेंगे, यहां पे एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, ये तो डेली आ चुका है, वीकली आ चुका है, ये हम डेली में देखेंगे. यहां पे एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, ये ट्रेंडलाइन सपोर्ट बिकम्स क्रूशियल. पहले भी आप देखो यहाँ पे कंसोलिडेट किया, देन प्राइस ऊपर मूव किया, इमीडिएट हाई को, स्विंग हाई को टेस्ट किया, थोड़ा सा टाइम पास किया, अगेन न्यू हाई बनाया. क्या अभी भी आप देखोगे यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है. सो ये कंसोलिडेशन क्या फर्दर कंसोलिडेट करने के बाद ऊपर की तरफ जाते हैं, इन सच केस इमीडिएट रेजिस्टेंस को हिट करेगा. अदरवाइज क्या ये फेल करते हैं इस सपोर्ट जोन में कंसोलिडेट करके ऊपर जाने के लिए, रेदर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करते हैं, इन सच ए केस हमारा जो सपोर्ट हो सकता है 1.0750 से 1.0780 का पॉसिबिलिटीज है. तो ये जो जोन है, दिस बिकम्स क्रूशियल. आपको देखना है मंडे ऑनवर्ड्स क्या कौन सा डायरेक्शन में ब्रेकआउट होने का तैयारी ले रहे हैं, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ. अभी आते हैं हम यूरो आईएनआर. यूरो आईएनआर वीकली जो कैंडल बनाया हुआ है, एक नेगेटिव कैंडल बनाया हुआ है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन सपोर्ट जो है उसके नीचे क्लोज दिया हुआ है. RSI आप देखोगे अबव 60 से बिलो 60 आ चुका है, सो यहाँ पे हल्का सा नेगेटिव बायस हम देख रहे हैं एज फार एज द वीकली पर्सपेक्टिव इज कंसर्न.
अगर हम डेली चार्ट को एनालाइज करने का प्रयास करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, जहां पे कंसोलिडेट करने के बाद ये क्या ऊपर की तरफ जाता है या नीचे की तरफ जाता है वो हमें देखना है। पहले केस में क्या हुआ, सपोर्ट लेके कंसोलिडेट करके ऊपर गया, स्विंग हाई को टेस्ट किया, टाइम पास किया, फिर एक नया स्विंग हाई बनाया, फिर नीचे आके ट्रेंड लाइन को टेस्ट कर रहा है। यहाँ पे ट्रेंड लाइन को अभी ब्रेक डाउन करने का प्रयास कर रहा है। यहाँ पे एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल है 90.40 से 90.60 का। क्या मंडे ऑनवर्स इस लो को नीचे की तरफ तोड़ते हैं, ये हमें देखना है। अगर तोड़ते हैं नीचे के तरफ, इन सच केस हमारा जो नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट होगा ये होगा 8950 से 8970 का। ये हो गया आपका यूरो आयनर। अभी आते हैं येन आयनर। येन आयनर में हम देखेंगे पिछले हफ्ते एक स्पिनिंग टॉप टाइप ऑफ कैंडल बनाया हुआ है, ऑल्दो रेड इन कलर बट इट्स न्यूट्रल इन नेचर, क्योंकि प्राइस रिजेक्शन बोथ साइड में हुआ है। ऊपर की तरफ भी प्राइस रिजेक्ट हुआ, नीचे की तरफ भी प्राइस रिजेक्ट हुआ है। अभी हमें देखना है जो सेंटर बैंड, ये सेंटर बैंड के यहाँ पे 20 पीरियड मूविंग आवर्स के नजदीक में सपोर्ट लेके क्या ये रेजिस्टेंस को फिर दोबारा टेस्ट करते हैं, वो हमें देखना है। अगर डेली प्राइस एक्शंस को देखेंगे, डेली पे इट इज ट्राइंग टू टेक सपोर्ट एट 40 एंड ट्राइंग टू मूव हायर। यहाँ पे हमें एक डब्ल्यू पैटर्न का इंतजार रहेगा, यानी ये कैंडल से नीचे आया, ऊपर गया, फिर ये नीचे आके अभी क्या ऊपर जाता है। अगर डब्ल्यू मिलता है इन सच ए केस, हमें एक अपवर्ड बायस मिल सकता है। अपवर्ड बायस मिलने से भी ये जो जोन है, कौन सा जोन है आपका 0.5780 से 0.58 इज गोइंग टू बी आवर फर्स्ट रेजिस्टेंस। इसको अगर ब्रेक आउट करते हैं तो 5910 से 5930 का नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस यहाँ पे हो सकते हैं। ये येन आयनर पे बायस जो है, हमें बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। आप लोगों का जो भी बाइंग स्ट्रेटेजी होगा उसके लिए इंतजार कीजिए, क्या ये बाइंग सिग्नल्स देते हैं। एंड बाई बायस में आने वाले दिनों में एक अपवर्ड मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डॉलर कैंडी, डॉलर कैंडी पिछले हफ्ते एक मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल फॉर्म हुआ है, लेकिन इमीडिएटली एक रेजिस्टेंस जहां पे ये रेस्पेक्ट कर रहा है। डेली चार्ट में अगर हम देखेंगे तो ये रेजिस्टेंस जोन में टाइम पास कर रहा है, कंसोलिडेट कर मंडे ऑनवर्ड्स क्या ये नीचे की तरफ आते हैं या ऊपर की तरफ जाते हैं, ये हमें देखना है। अगर नीचे की तरफ आते हैं, अगेन ये 1.317080 इज गोइंग टू एक्ट एज ए सपोर्ट लेवल। ऑसी डॉलर, ऑसी डॉलर पे पिछले हफ्ते में एक मॉडरेटली नेगेटिव रेड कैंडल बनाया हुआ है, सो यहाँ पे हल्का सा एक नेगेटिविटी है। डेली प्राइस एक्शंस अगर देखेंगे तो डेली पे यहाँ पे सपोर्ट लेवल क्यों नीचे की तरफ ब्रेक डाउन किया हुआ है। पहले टाइम पे ये टाइम कंसोलिडेट करके ऊपर गया था इस टाइम पे, लेकिन थोड़ा सा अभी हमें देखना है। 11th जनवरी का एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाया हुआ है, हाई वेव कैंडल, इसके हाई के ऊपर एक बायस, अपवर्ड बायस हमें देखेंगे, लेकिन लो के नीचे एक सेलिंग देख सकते हैं। तो मंडे ऑनवर्ड्स क्या होते हैं ये हमें देखना पड़ेगा। सीएनएच, सीएनएच में अगर हम देखेंगे यहाँ पे इस लेवल पे कंसोलिडेट करने के बाद प्राइस ऊपर की तरफ गया, जो हमारा टारगेट था 7.20 का, उसके नजदीक आके फिर दो दिन बैक टू बैक नेगेटिव कैंडल बनाया, क्योंकि यहाँ पे पीपीओसी ने कुछ मींस पॉलिसी मींस इनिशिएट किए थे जाके इकोनॉमी बूस्ट हो अभी, लेकिन फ्राइडे का जो प्राइस एक्शंस वो दिखा रहा है कि करेंसी फर्दर वीक हो रहे हैं। अभी हमारा इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है 7.20 का है, आने वाले दिनों में क्या ये इसके ऊपर बायस होते हैं, इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट करते हैं तो यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर रेंज बन रहा है। कौन सा, ये एक रेक्टेंगुलर रेंज, इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट करते हैं यानी 7.20 के ऊपर अगर ब्रेकआउट करते थे इक्वल अमाउंट यानी 10 बिगी का, 7.20 से 7.30 का एक टारगेट हो सकता है। क्या मंडे ऑनवर्ड्स इसके हाई के ऊपर ब्रेकआउट करते हैं, ये हमें देखना पड़ेगा। इन सच केस आने वाले दिनों में सीएनएच में मूव टुवर्ड्स 7.30, लेकिन वो भी एक देखे, ये जो बॉक्स रेंज है
आइदर ये स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्रेकआउट करके, स्ट्रॉन्गली ब्रेकआउट करके ऊपर जाएगा, या फॉल्स ब्रेकडाउन करेगा। फॉल्स ब्रेकडाउन का कैलकुलेशन अलग है, जो हम नेक्स्ट एनालिसिस में फिर दोबारा करने का प्रयास करेंगे। तो इस 7.20 के बाद क्या ये रियल ब्रेकआउट है या फॉल्स ब्रेकआउट है, उसके ऊपर अगर रियल ब्रेकआउट है तो 7.30, अगर फॉल्स ब्रेकडाउन है तो दोबारा यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है 7.10, 7.11 की तरफ। अभी आते हैं आपका ब्रेंट क्रूड। ब्रेंट क्रूड जो इस हफ्ते का कैंडल बनाया हुआ है वो है आपका एक स्पिनिंग टॉप, ये जो ग्रीन वाला कैंडल्स है। स्पिनिंग टॉप प्राइस काफी कंसोलिडेट कर रहा है। डेली चार्ट में देखेंगे तो एक रेंज बनाया हुआ है। कौन सा रेंज? ऊपर की तरफ आपका ये कौन सा है आपका 82, और नीचे की तरफ ये। दिस टू बिकम्स वेरी क्रूशियल लेवल्स। प्राइस उसी के अंदर में काफी हलचल कर रहे हैं। क्या आपका ये, जब पहले तो ये रेंज है अपवर्ड, ऊपर में एक रेजिस्टेंस, नीचे में एक सपोर्ट। क्या आने वाले दिनों में इसको तोड़ते हैं या नीचे की तरफ इसको तोड़ते हैं, ये हमें देखना पड़ेगा। जब तक नहीं तोड़ते प्राइस हाईली वॉलेटाइल रहेगा। आप प्राइसेस देखो, एक एक दिन में क्या वॉलेटाइल मूव कर रहे हैं क्रूड में। हाँ, उसमें आपका काफी न्यूज ट्रिगर्स हो रहे हैं, कल काफी इवेंट्स ट्रिगर हो रहे हैं। प्राइस यहाँ पे इस रेंज में जब तक रहेगा ऐसे भी करेगा, काफी वॉलेटाइल मूव रहेगा, कभी ऊपर कभी नीचे, मींस हालत खराब होगा।